Good morning everyone, continuing with our next topic that is optimum product mix. Optimum product mix का मतलब है वो product mix जब जो company है वो maximum profit कमा रही है और अगर आप अपने product mix में कोई change कर रहे हैं तो उससे आपको कोई benefit नहीं हो रहा है, उस stage को हम optimum product mix की stage कहेंगे. वो level of product mix जहां पर कोई और स्कोप नहीं है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स का बाय डूइंग एनी चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, उस सिचुएशन को हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं. और हर एक जो बिजनेस फर्म है वो ट्राई करती है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स को अचीव करने के लिए. जब तक आप अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर रहे हो और उससे जो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, तब तक आप ऑप्टिमम स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं. ऑप्टिमम स्टेज पर आप तब पहुंचते हैं जब अपने प्रोडक्ट मिक्स में किसी भी तरीके का चेंज करने से आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं होता है, तो उसे हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कहेंगे. और ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की स्टेज को अचीव करने के लिए कुछ आइटम्स जो हैं प्रोडक्ट लाइन में आप इंट्रोड्यूस करते हो, कुछ नॉन प्रोडक्ट्स को आप ड्रॉप करते हो अपने प्रोडक्ट मिक्स से ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके. अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर जो डेफिनेशन है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की, दैट इज दैट इफ द कंपनी आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कैन नॉट अचीव द इंक्रीज्ड टारगेट और द करंट प्रॉफिट मिक्स इज सेट टू बी ऑप्टिमल इफ नो एडजस्टमेंट वुड एनहांस द कंपनी चांसेस फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जो प्रोडक्ट मिक्स है आपका वो ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है. अगर आपकी जो सेल्स और प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं, अगर जो आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो हाई प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर जो आपकी विड्थ है प्रोडक्ट मिक्स की वो लेस है फॉर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ सेल्स फोर्स, और जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्टिल अनयूटिलाइज्ड है. तो जब भी एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसे अपने ऑप्टिमम मिक्स जो है, प्रोडक्ट मिक्स जो है उस पर पहुंचना है, तो उसके लिए उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज. प्रोडक्ट लाइन हम पहले ही बात कर चुके हैं. प्रोडक्ट लाइन का मतलब है वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो क्लोजली रिलेटेड हैं क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एक क्लास ऑफ नीड्स को, या टुगेदर वो यूज हो रहे हैं, या सेम कस्टमर ग्रुप को आप उसे सोल्ड कर रहे हो, या सेम मार्केटिंग पॉलिसी उसके लिए यूज कर रहे हो, सेम टाइप ऑफ आउटलेट्स के अंदर वो आती है, या सेम जो प्राइस रेंज है उसके अंदर वो आ रही है, तो उसे हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं. तो जो भी आप ऑल्ट्रेशंस करते हो, मॉडिफिकेशंस करते हो अपनी प्रोडक्ट लाइन में, उसे हम प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज कहते हैं, स्ट्रैटेजीज कहते हैं. तो वो पॉलिसीज, वो स्ट्रैटेजीज जो डिसाइड करते हैं, जो प्लान है जो वो डिसाइड कर रहा है कि आपने प्रोडक्ट लाइन में क्या चेंजेस करने हैं, उसे हम प्रोडक्ट लाइन पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज कहेंगे. तो जो कंसेप्ट है प्रोडक्ट लाइन का वो डायनामिक कंसेप्ट है क्योंकि जो फर्म है उसे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अडॉप्ट करनी पड़ती है. तो नेसेसरी है किसी भी फर्म के लिए कि वो अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उनको अल्टर करे, मॉडिफाई करे अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज ताकि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो अचीव उन्हें कर पाए. और साथ ही साथ जो भी एनवायरनमेंट से चेंजेस उसे मिल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हो रहा है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, या बिजनेस में चेंज हो रहा है, या इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट जो कंट्री का है वो चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपनी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज जो हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी. जो प्रोडक्ट लाइन में चेंज हो सकता है आप मॉडिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट लाइन को, और प्रोडक्ट लाइन को मॉडिफाई करने का मतलब है आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, मॉडल्स को चेंज कर सकते हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकते हो. तो कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन की पॉलिसीज हैं और जो स्ट्रैटेजीज हैं जो मार्केटर अडॉप्ट कर सकता है, पहला है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स.
जो सबसे पहली हमारी स्ट्रैटेजी है प्रोडक्ट लाइन की, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। जब एक जो मैन्युफैक्चरर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट है उसके ओल्ड प्रोडक्ट से, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। जो एक्सपेंशन है प्रोडक्ट मिक्स का वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, इसे हम जनरली प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कह सकते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव कि आप फुली यूटिलाइज कर सको अपनी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज को। आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इंक्रीज करोगे अपना नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। जरूरी नहीं है कि आपका जो नया प्रोडक्ट लाइन है वो आपके ओल्ड प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि हमने बात की थी कि कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो फिलिप्स है वो प्रोड्यूस करता है टेलीविजन, ट्रांजिस्टर्स, 2-in-1 स्टीरियोस, लेकिन अब वो सीडी प्लेयर्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। सेम तरीके से अगर हम एग्जांपल लें कि एक जो टी सीरीज कंपनी है वो ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बनाती थी, लेकिन अगर वो डिसाइड अब करती है कि वो वॉशिंग पाउडर और मिनरल वाटर बनाएगी, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कि वो अपनी प्रोडक्ट लाइंस को इंक्रीज कर रही है। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। जो एक मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड कर सकता है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को ही एक्सपैंड करेगा बजाय नई जो प्रोडक्ट लाइन है उसे इंट्रोड्यूस करने के। फॉर एग्जांपल अगर फिलिप्स लिमिटेड है वो 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिक बल्ब बना रही थी, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो 2 और वेराइटीज अपनी बनाएगी एनर्जी सेवर बल्ब्स की, तो वो एक्सपैंड कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन को। तो जो एक्सपेंशन है प्रोडक्ट मिक्स का आप कर सकते हो टू एक्सप्लॉइट मार्केट अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को आप ऐड कर सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव है, यूज है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी का, वो है कि आप सीजनल स्लम्प्स को एलिमिनेट कर पाएंगे, जो आपके सीजन के अकॉर्डिंग आपकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ रहा है उसे एलिमिनेट कर पाएंगे, साइक्लिकल स्लम्प्स को एलिमिनेट कर पाएंगे, न्यू डिस्कवरीज का यूज कर पाएंगे आप, जो डेंजर है डिक्लाइनिंग डिमांड का उसे रिड्यूस कर पाएंगे, बिजनेस रिस्क को रिड्यूस कर पाएंगे, आप अपनी एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज कर पाएंगे। और जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं जैसे रिलायंस, टाटा, लिबर्टी, हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, DCM, लॉन्ग लिस्ट है कंपनीज की जो प्रोडक्ट मिक्स की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को सक्सेसफुली यूज करती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इस स्ट्रैटेजी में जो आपका प्रोडक्ट लाइन है या जो डेप्थ है प्रोडक्ट लाइन की उसे आप कम करते हैं, एक्सपेंशन में आप उसे इंक्रीज करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में आप उसे डिक्रीज करते हैं। तो इसे हम सिंपली जो टर्म इसके लिए यूज कर सकते हैं दैट इज सिंप्लीफिकेशन। तो जो कंपनी अगर डिसीजन ले रही है कि वो अपने प्रोडक्ट आइटम्स को रिड्यूस करेगी पर्पसफुली ताकि जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके प्रोडक्ट लाइन से, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कंपनी को कंपेल कर सकती हैं कि वो कुछ सर्टेन आइटम्स को अपने प्रोडक्ट मिक्स से बाहर निकाले। इसे भी आप 2 तरीके में कर सकते हैं। पहला है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस और दूसरा है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स। पहले बात करते हैं डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। अगर कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, तो जो फर्म है वो डिसाइड कर सकती है उस प्रोडक्ट लाइन को एलिमिनेट करने के लिए अपने प्रोडक्ट मिक्स से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक रेडियो सेट्स या पीजर्स जो कंपनीज बनाती थी वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है नए प्रोडक्ट्स, और जो इलेक्ट्रिक रेडियो सेट्स और पेजर्स वो बनाते थे उसे अपने प्रोडक्ट मिक्स से उन्होंने बाहर निकाल दिया है, उनकी प्रोडक्शन वो अब नहीं करती। इसका अगर हम करंट एग्जांपल लें तो LG जो कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि वो अब मोबाइल्स नहीं बनाएगी, तो जो मोबाइल की प्रोडक्ट लाइन है उसने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। देन नेक्स्ट इज योर डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स। इसे हम कॉन्ट्रैक्शन या सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन भी कह सकते हैं।
यहाँ पे आप साइज स्टाइल कलर वैरायटीज जो है प्रोडक्ट के उसे रिड्यूस करते हो ताकि जो आपकी लेंथ है प्रोडक्ट लाइन की वो रिड्यूस हो सके। फॉर एग्जांपल जो बजाज ऑटो लिमिटेड है उसने प्रिया जो स्कूटर है और जो बजाज कब के नाम से स्कूटर है उसने उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी है। सेम तरीके से जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है उसने जो बाथिंग सोप्स थे ग्लोरी और विजुअल उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स में वो मेनली किन रीजंस की वजह से हो सकता है? जब जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हो गया है और आपको डिफिकल्ट लग रहा है अपना प्रोडक्ट सेल करना एट अ प्रॉफिट। जो प्रोडक्ट है अपनी लाइफ साइकिल में डिक्लाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुका है या जो आपकी कॉस्ट है वो आपके प्राइस से ज़्यादा एक्सीड कर रही है या जो आपका टोटल टेक्नोलॉजिकल चेंज हो चुका है और अल्टरनेट मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं और चेंज हुआ है कंज्यूमर बिहेवियर और लिविंग स्टाइल्स में। देन नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रैटेजी है दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इस पॉलिसी के अंडर जो कंपनी है वो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बजाय जो उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी में चेंज करती है साइज कलर डिज़ाइन पैकेज फ्लेवर टेक्सचर फिजिकल केमिकल एट्रीब्यूट्स जो वो हैं प्रोडक्ट के वो उसी में चेंज कर रही है। तो जो अल्टरेशन की स्ट्रैटेजी है वो कम रिस्की होती है क्योंकि इसका जो इफेक्ट है विड्थ और डेप्थ जो है प्रोडक्ट मिक्स की उसके ऊपर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जो DCM मैनुफैक्चरर है वो टेरिकोट का जो मटेरियल यूज करते थे उसकी जगह वो टेरन क्लोथ यूज करने लगे हैं। सेम तरीके से नेस्कैफे ने नया फ्लेवर कॉफी का लॉन्च किया जिसे चोकू कॉफी कहा जाता है। तो ये एग्जांपल है कि जहां पर कंपनी अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही ऑल्टरेशंस कर रही है। तो एक प्रमोट आप यहाँ पे नया इम्प्रूव्ड वर्जन करते हो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। The next is your development of new uses for existing product. इस strategy के अंदर जो आपका existing product है आप उसी में जो थोड़ा बहुत change है करते हो ताकि उसी product के और ज़्यादा uses निकल कर आ सके जिससे जो आपकी sales है जो demand है वो और ज़्यादा create हो पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन्युफैक्चरर है मिक्सर और ग्राइंडर का उसने अपने प्रोडक्ट में चेंज क्या किया उसने उसी में और सेवरल अटैचमेंट्स जोड़ दी जिससे आप किचन की दूसरी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं। सेम तरीके से जैसे अगर निर्मा डिटर्जेंट पाउडर है वो प्रमोट कर रहा है कि वो सिर्फ वॉश क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए ही नहीं यूज होता आप उसे फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स और फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो दैट इज कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का नया यूज डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है दैट इज ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं करते हो। अंडर ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जिसका जो प्राइस है वो हाई है प्रेस्टीजियस वो प्रोडक्ट है जो आप अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड करते हो जो प्रोडक्ट मिक्स है कंपनी उसमें उसे ऐड कर रही है इस ऑब्जेक्टिव से कि जो सेल्स है एग्जिस्टिंग लो प्राइस प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो मार्केटर है वो गुड रेपुटेशन अर्न कर सकता है अपने लो प्राइस प्रोडक्ट्स में एक नया हाई प्राइस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके। जो लॉजिक है इस स्ट्रैटेजी के पीछे वो ये कि जो गुडविल है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाएगी और जो कंपनी का टर्नओवर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मार्केटर है वो लार्ज पोर्शन जो उसका सेल्स का है टोटल सेल्स का वो आएगा वही लो प्राइस प्रोडक्ट से ही जो हाई प्राइस प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया है उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट उसकी सेल्स पर नहीं पड़ेगा। जो उसके हाई प्रोडक्ट लॉन्च करने से जो उसके लो प्राइस प्रोडक्ट थे उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है और ग्रेजुअली जो उसका प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है वो एम्फसाइज करती है न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल आपका हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड है उसने डव सोप को ऐड किया। सेम तरीके से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड है उसने इजी वॉशिंग लिक्विड को अपनी प्रोडक्ट लाइन में ऐड किया फॉर डेलिकेट क्लोथ्स। मारुति उद्योग लिमिटेड ने इंट्रोड्यूस की डिजायर लग्जरीज कार में। LG कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया फ्रॉस्ट फ्री बिग साइज रेफ्रिजरेटर। ये भी एक एग्जांपल है ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी का। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजी इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।